नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। देखिए, स्टूडेंट का क्वेश्चंस जो है मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। ये ला स्टूडेंट जो LLB प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, उन्हीं लोग के लिए वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो, चाहे जिस अफिलेटेड कॉलेज से हो, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल हेल्पफुल, जो मुझे जानकारी है वहीं तक मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। इसमें बताने वाला हूँ आप लोगों को इंटर्नशिप के बारे में, क्योंकि बच्चे परेशान हैं कि इंटर्नशिप सर जो है, जैसे इंटर्नशिप आप लोगों का जो है हर साल होता था, जो है 5th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में, अब की बार क्या हुआ, 3rd सेमेस्टर में डाल दिया, जो LLB 3 ईयर्स के स्टूडेंट। बाकी आप 5 ईयर्स के स्टूडेंट हैं तब भी इंटर्नशिप आपको देना ही पड़ेगा। जो आप लोग को इंटर्नशिप के बारे में 2-3 वीडियो आप लोग को ऑलरेडी पहले से पढ़ चुका होगा, क्या इंटर्नशिप है, कैसे करना है, किस तरीके से नहीं करना, फिर भी एक बार इसमें चर्चा कर देता हूँ। और मैं बताऊंगा इसमें आप लोग को फाइल कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कौन से पेजेस यूज करना है, जो मुझे जानकारी है उसी को शेयर करूंगा। ठीक, बाकी आप लोग जो है अपने हिसाब से, अपने अपडेटेड कॉलेज पे जो भी पढ़ते हैं, अपने कॉलेज पे ज़रूर एक बार इन्फॉर्म कर लें। चलिए, इसमें मैं बताता हूँ कि आप लोग को क्या करना है। तो आप लोग को बता दिया था पहले ही कि जो है आपको जो है एक आप लोग जो है अपने अपडेटेड कॉलेज पे या मेन कैंपस में पढ़ते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, नो डाउट। तो आप लोग क्या करेंगे, उसमें जा करके एक रिसीप्ट भरेंगे। आप लोग जो अथॉरिटी लेटर होता है, एक अथॉरिटी लेटर आप लोग जो है जो भी होगा, एक अथॉरिटी लेटर आपके कॉलेज के पास रहेगा और एक आपको दिया जाएगा, सिग्नेचर जो है, मोहर, ट्रैक्टर, सारी चीज़ें लगेगी। इसके बाद आप लोगों को जो है क्या करना होगा, जा करके जो है किसी एडवोकेट के जो है अंडर में, मतलब किसी एडवोकेट के अंडर में जो है आप लोगों को जो है 1 महीने, 1.5 महीने, जो है 2 महीने, 3 महीने, जो भी इंटर्नशिप आप लोग कर सकते हैं। एक एक टाइम मांगा गया है कि 1 मंथ से नीचे नहीं होना चाहिए, 1 मंथ से नीचे नहीं होना चाहिए, 1 मंथ से आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा। ठीक, तो इंटर्नशिप कर सकते हैं किसी एडवोकेट के अंडर में, ये हुआ। और आप लोग चाहे हाई कोर्ट जा करके अपने हिसाब से, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे जिस भी कोर्ट में आप लोग जा सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, या तो कोई रोक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग इसी कोर्ट में ही जाए। चाहे आप सिविल कोर्ट में जाए, चाहे आप लोग जो है जो हाई कोर्ट में जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, चाहे किसी भी कोर्ट में जाए, आप लोग जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद उनसे एक जो है आप लोग को सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। सर्टिफिकेट जो आप लोग का जो है होगा, वो सर्टिफिकेट आपको लगेगा, आपके कॉलेजेस में लगेगा, और आपके जो है फाइल के हिसाब से सारी चीज़ें उसमें करना पड़ेगा, अभी मैं बताऊँगा उसके बारे में। ठीक, ये सब सारी चीज़ें प्रोसेस चलेगी, यही सब था। बाकी आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे, उस वीडियो को देखें, उसमें फुल डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी मैं इस वीडियो को इसलिए लाया हूँ कि इसमें फाइल से रिलेटिव मैं आप लोग की चीज़ें बताने वाला हूँ, जो आप लोग की प्रोजेक्ट फाइल बनेगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट है इसमें, आप लोग को फाइल बनेगी, प्रैक्टिकल फाइल। तो इस फाइल में आपको जो है वही A4 साइज पेपर जो होगा, वैसे सेम फाइल जैसे पहले आप लिखते थे वैसे ही लिखना होगा, लेकिन इसमें कुछ अलग होगा। जो आप लोग किसी भी एडवोकेट के जो है अंडर में, जब आप जो है वहाँ इंटर्नशिप करेंगे, इंटर्नशिप करने के बाद आपको क्या करना होगा कि जो है उस उन्हीं जैसे कि जो है एक केस ला होगा, जो कि एक केस ला के पूरा डिटेल्स के ऊपर में, उस केस में कैसे हुआ, मान लीजिए 376 का केस है, 354 का केस है, जो भी सेक्शन लगे, जो भी हुआ, मान लीजिए 302 की केस है, ये सब सारी चीज़ें, मतलब या किसी भी आप लोग जो है सिविल केस में भी आप लोग जो है जैसे सूट फाइल, ये सब सारी चीज़ें, कोई केस ला के ऊपर जो है आपको जो है एक केस ला पर उसमें 10, 20, 25 नहीं उसमें ज्वाइन करना, क्योंकि एक केस ला के पूरे जो भी कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, कौन से सेक्शन लगेंगे, सारी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आप लोग जो है जिस भी एडवोकेट के अंडर में कर रहे हैं वहाँ जो सीखे हैं केस डीलिंग होते हैं, क्योंकि एडवोकेट का काम ही है मेन की केस डील करना, आप लोग को ड्राफ्टिंग का ये सब सारी चीज़ें करना, मेन तो केस ही होता है। ठीक, तो एडवोकेसी का यही वर्क ही होता है। तो उसमें आप लोग को जो है एक केस के ऊपर, एक केस ला के ऊपर जो है आपको फुल डिटेल्स जो है पूरी तरह जो है करीबन 5 से 6 पेज में आपको जो है, 6 से 7-8 पेज भी जा सकता है, तो आप लोग उसमें लिखेंगे फुल डिटेल्स जितना होगा। ठीक, इसके बाद जो सर्टिफिकेट आप लोग को, दूसरा नंबर बता दूँगा आप लोग को, दूसरा नंबर पॉइंट ये हो गया। सेकंड नंबर पॉइंट आप लोग का जो सर्टिफिकेट होगा मेरे भाई, जो सर्टिफिकेट आपको जो है एडवोकेट के द्वारा जो दिया जाता है, एडवोकेट की सिग्नेचर, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, वो सर्टिफिकेट आपको उसी फाइल में जो है, उसी फाइल में इंक्लूड करके जो है आपको जो है अपने कॉलेज में जमा करना पड़ेगा, या आप लोग को उसमें लगेगा, या तो आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। अब अपने अपने कॉलेज की रूल होती है, अपलेटेड कॉलेज की जानकारी मैं यहाँ नहीं, जो यूनिवर्सिटी से जो सारी चीज़ें मैं जो इकट्ठा होता है डाटा, जो मैं किसी से एक्सपीरियंस
मतलब जो दे चुके हैं उन्हीं से मैं पूछता हूँ या वो कर सकते हैं, तो ये सब सारी जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के जो है फाइल अगर मन करे तो बनाइए, अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं नहीं तो रुके रहिए। अभी तो अभी जो है आप लोग जो है जो 5 सिलेबस है उसके जो फाइल आप लोग तैयार करिए, कैसे किस तरीके से आपको लिखना है कैसे नहीं लिखना, आपको 5 से 6 पेज में फाइल आपको बनानी ही पड़ेगी। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें प्रक्रिया मैं आपको, वीडियो अपलोड है ऑलरेडी पहले से ही आप लोग को पता होगा, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन्हें नहीं पता होगा, तो वीडियो आप लोग शेयर कर देंगे हम आपके पास, या आपके जानकारी में कोई फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए वहाँ ज्वाइन करें, या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वहाँ भी व्हाट्सएप ज्वाइन करवाइए, फिफ्थ ईयर या आप लोग जो है थर्ड ईयर के हों, क्योंकि उन्हें भी ये जानकारी मिलते रहे टाइम टू टाइम। ठीक, तो बेसिकली आज के वीडियो में यही 2-3-4 अपडेटें थी। सही तरीके से लिखे, चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, प्रिंट आउट नहीं चलेगा। सिंपल सा मतलब, कहीं भी आप लोग प्रिंट आउट नहीं मत लगाइए, आप अपने हिसाब से लिख करके, कहते हैं लोग नंबर कम हुआ ये सब, तो प्रिंट आउट आप करके देंगे तो कोई भी जो है सही तरीके से नहीं देखे, आप अपने हिसाब से अपने जो है रफ आपने जो कॉपी जो भी हो अपने हाथ से लिखें। ठीक, थैंक यू, जो एडवाइस मिली हो आप लोगों को, कोई जानकारी मिली हो तो वीडियो लाइक करके जाइएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।